तो वापस हम अपने W3 स्कूल वाले वेबसाइट पे आ गए और हम चलते हैं HTML के डायरेक्ट अब इंट्रोडक्शन पे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। मार्किंग करता है ये। यहाँ पे एक मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो मार्कअप लैंग्वेज और जो आप जनरल लैंग्वेज यूज़ करते हो प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज, उसमें क्या डिफरेंस होता है। ये मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये मार्किंग करता है, जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। मार्किंग करता है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें दिखनी है, कैसे दिखनी है, जो भी चीज़ आप दिख बता रहे हो कि उसमें ये दिखाओ वैसे दिखाओ, वो कहाँ से कहाँ तक उसका लिमिट होना है, कौन सी चीज़ें हेडर में आनी है, वो मार्क करके बता देता है। ये चीज़ों को मार्क कर देता है कि आप कहाँ से कहाँ तक इसमें लिखने वाले हो। तो यहाँ पे दिखा है HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। जैसे मैंने बताया वर्ड स्ट्रक्चर था जो कि HTML से बना था। फिर HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें होते हैं। एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो यहाँ पे मैंने वही बात बताई जो इसमें यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करना है कंटेंट को, वो उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे बताया कि जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन डिफाइंस द डॉक्यूमेंट इज एन HTML5। हमें सबसे ऊपर डॉक टाइप डिफाइन करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि जो नीचे डॉक्यूमेंट है वो एक HTML डॉक्यूमेंट है और ये HTML5 है। पर जो HTML टैग है ये रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। हेड में जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, मतलब किसी भी डेटा या जो भी पेज के अबाउट, मतलब पेज किस बारे में पेज है और अदर उसके रेफरेंस लिंक्स, वो सारे हेड में होते हैं। फिर उसके बाद उसमें टाइटल भी होता है। टाइटल वगैरह में हम वेबसाइट में जो ऊपर में टैब में जो दिखता होता है नाम, वो टाइटल से आता है। पेज टाइटल, ट्राई इट एडिटर, इंट्रोडक्शन टू HTML, ये सारे वही टाइटल से आते हैं। जो भी आप वहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर बॉडी स्टार्ट होता है इसमें, तो सारी चीज़ें जो भी बॉडी में होती हैं, इमेज वगैरह सब चीज़ सारी बॉडी में हो जाती हैं। और फिर H1 टैग्स होते हैं, मतलब ये सारे जो हेडिंग वाले टैग्स हैं 6 टाइप के होते हैं, अभी मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। इसके बाद आपको HTML एलिमेंट्स पे जाना है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे तो यहाँ पे एक मिलता है आपको एम्प्टी HTML एलिमेंट, जो सिंगल टैग्स होते हैं जिनके बीच में कोई कंटेंट नहीं होता है, उन्हें यूजुअली एम्प्टी HTML टैग कहते हैं। जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, जैसा कि आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव होते हैं, छोटा बड़ा लिखोगे तो प्रॉब्लम होती है, पर ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप कुछ भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो, कोई भी टैग। अब हम चलते हैं इसके HTML एट्रीब्यूट्स पे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एट्रीब्यूट क्या होता है। जैसे कि एट्रीब्यूट के बारे में आपको पता है कि इसकी हिंदी होती है, जैसे लाइक गुण, मतलब किसी का जो क्या वो बिहेवियर उसका क्या शो करता है, वो उसको मतलब एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो जो भी टैग्स हम लिख रहे हैं उन टैग, वो सिंपल टैग्स जो उसको डिफाइंड है, वो तो वो बिहेवियर शो करेगा ही, पर उसके अलावा आप और भी उसमें अलग से भी बिहेवियर उसमें ऐड कर सकते हो इन एट्रीब्यूट्स की मदद से। तो सारे जो टैग्स होते हैं, किसी भी टैग में आप एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। बहुत तरह तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक एंकर टैग है। एंकर टैग होता है लिंक्स बनाने के लिए, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इस एंकर टैग यूजुअली ऐसे लिखा जाता है, पर इस एंकर टैग के बीच में देखो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे एंकर टैग खत्म हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में आप देखते हो ये यहाँ पे एक लिंक इसमें डाला गया है। तो ये जो HRF है ये एक एट्रीब्यूट है, इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड किया गया है, इसमें हाइपर लिंक इसको ही बोलते हैं एट्रीब्यूट। इसमें एक अलग से बिहेवियर इसमें डाला गया है कि ये एक लिंक को शो करेगा, लिंक को रेफरेंस करेगा, इस पर क्लिक करते ही लिंक ओपन हो जाएगी। तो ये एक एट्रीब्यूट हुआ है। ऐसे ही किसी भी टैग के बीच में आप जो भी उसमें एक अलग से बिहेवियर और उसके रिलेवेंट जो भी एट्रीब्यूट उसमें आप ऐड करते हो, वही सारे उसमें शो होते हैं, उसके बिहेवियर को शो करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इमेज टैग होता है उसमें एक SRC एट्रीब्यूट होता है। SRC होता है कि जो इमेज कहाँ से आ रहा है उसके इमेज को बताता है, लाइक इमेज का पाथ हो सकता है, या डायरेक्ट अगर इमेज सेम फोल्डर में या सेम लोकेशन पे है तो डायरेक्ट उसका नाम लिख सकते हैं आप। तो वो SRC में आता है, SRC एट्रीब्यूट में हम उसको आसानी से लिख देते हैं, और जिससे कि इमेज टैग को पता चल जाता है कि हमारा इमेज कहाँ से आ रहा है। इमेज टैग सिंगल टैग होता है, मैं आगे अभी आपको सारे बताऊंगा। इमेज टैग एक सिंगल टैग होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक SRC एट्रीब्यूट है, यहाँ पे देख सकते हो आप एक अल्ट एट्रीब्यूट भी है। इसके आगे और भी एट्रीब्यूट जैसे जैसे आपको जरूरत हो वैसे वैसे आप इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो ये एट्रीब्यूट है ये एक CSS एट्रीब्यूट है, इसमें स्टाइलिंग दी हुई है, ये एक स्टाइल एट्रीब्यूट है, इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। तो जब भी आप CSS, वैसे तो आप या तो हेड में डाल सकते हो इस स्टाइल टैग के अंदर, या तो फिर आप उसको हेड के अंदर रेफरेंस दे सकते हो किसी ऐसे पेज का, किसी ऐसे फाइल का जहाँ पे सारे आपने CSS लिख रखे हैं, और इसको जो बोलते हैं इसको इनलाइन CSS बोलते हैं। तो ये एक स्टाइल एट्रीब्यूट है यहाँ पे, और जिसका यूज़ करके हम इसको एक बिहेवियर दे रहे हैं कि इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा जो भी ये पैराग्राफ टैग है उसका। यहाँ पे जो लैंग एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है एक, ये ऑप्शनल होता है, लाइक कि आप अगर इसका यूज़ कर रहे हो तो ब्राउज़र को ये पहचानने में ज़्यादा ईजी होता है कि क्या कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ करने वाले हो। बाकी तो ब्राउज़र को सारे लैंग्वेज पता होते हैं। UTF-8 होता है एक लाइब्रेरी जो कि ब्राउज़र के पास होता है, या उससे भी एडवांस जो हर तरह की लाइब्रेरीज अभी इंटरनेशनली यूज़ की जा रही हैं, सारी लाइब्रेरीज के पास होती है, तो उसको कोई भी लैंग्वेज पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब हम चलते हैं।